नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। दिनांक 16 जून 2022 मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जमुई जिला में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण योजना को संबोधित किया बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जमुई जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष राज किशोर सिंह, राष्ट्रपति पद सदस्य प्रकाश कुमार भगत जी, क्षेत्रीय प्रभारी कुमार प्रणय जी, जिला महामंत्री विनय पांडे, सोनीलाल पासवान, गोपाल कृष्ण, जिला उपाध्यक्ष ब्रजनंदन सिंह, गौरी शंकर, जिला मंत्री अजय पासवान, जिला संयोजक आईटी सेल एवं सोशल मीडिया राजेश कुमार मंडल, विकास सिंह जी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय यादव जी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष साधना जी कंचन जी, राहुल कुमार केसरी एवं सभी भाजपा सम्मानित साथी उपस्थित थे। सबों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण का उद्घाटन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी ने मोदी सरकार के विकास पर प्रकाश डाले। उन्होंने कोरोना काल में भी सभा के बारे में सोचा, समझा हमारे देश के लोगों तक। कोरोना टीका लेकर भी आए गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास एवं उज्ज्वल गैस चूल्हा गरीबों तक पहुँचाए। जमुई से संतोष कुमार भगत की रिपोर्ट। टीका का इजाद करके आम लोगों के घर तक पहुंचाने का काम किया और एक एक व्यक्ति की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, इसका एक बड़ा संदेश गया है। और इतना ही नहीं, जो PHH राशन कार्ड धारी हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो गणना हुई है, उसके आधार पर जो राशन कार्ड मुहैया कराया गया, तो उसके उन्हें आज तक विगत 2 वर्षों से उन्हें अनाज मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण जो हमारे श्रमिक थे, चाहे वो राज्य में काम कर रहे हो या दूसरे राज्यों में अपनी सेवा देकर उस राज्य को विकसित कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों को निःशुल्क अनाज भी पहुँचाने का काम किया। तो आम गरीबों की चिंता हमारी सरकार ने की है। कई योजनाएँ हैं जैसे इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने उसको बेहतर ढंग से करने का काम किया। एक योजना है जिसको केंद्र सरकार ने लाई और देखिए पूरे देश और प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या है ये योजना? नहीं देखिए, अभी तो तत्काल हम इतना ही आग्रह करेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं वो शांति कायम करें। अभी आवश्यकता इस बात की है कि कैसे शांति कायम हो, कैसे कानून व्यवस्था व्यवस्थित हो, अभी तो तत्काल इतना ही आग्रह करेंगे। शेष बातें बात हम जानना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या, हम लोग पूरी तरह से नहीं जानते। जान जाएगा ना, दूसरा कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे गरीबों दलितों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, राजद बोल रही है, लालू यादव को जो है CBI से परेशान करवा रही है भाजपा। नहीं देखिए, कानून अपना काम करता है और जिस प्रकार उन पर आरोप है या जो कार्रवाई चल रही है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भारत के न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। और देखिए, जो आरोप है उस पर गंभीरता से जांच भी हुई है, वो सजा याफ्ता भी हैं और जो ED जो जांच कर रही है उसमें जो तथ्य पाए गए उस आधार पर ED जांच कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की चिंता करती है, लेकिन हम न भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, न भ्रष्टाचार करेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, इस नीति पर हम चलते हैं। सर, 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 आपके घटक दल में JDU शामिल है, हम शामिल है। आज JDU ने भी मांग किया कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाए। हमने, मानी जी ने कहा है कि ये देश के लिए घातक है, आप क्या कहेंगे? किस चीज़ अग्निपथ को लेकर माझी का मैंने कहा ना कि अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम नौजवानों से भी आपके माध्यम से अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था को कायम करें। अभी राज्य की और देश की सबसे ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि कैसे शांति व्यवस्था रिस्टोर हो, क्योंकि जिस प्रकार के की वारदातें और हिंसा हुई है उसके लिए हम सब दुखी हैं। और पहले नौजवान शांति स्थापित करें और हमारी सरकार